A very good morning friends, my name is Nitin, Nitin Mohan Lal. And today's special, which is my help talk, is related to anchoring to create on your children. First, what is anchoring? If we know this, then maybe it will be very easy for us to create it. Anchoring means trigger. Like you have seen Charlie Chaplin's photo, you will laugh. If you have seen Mr. Bean's photo, you will laugh. अगर इंडियन बॉलीवुड में भी रामपाल यादव की या जॉनी लीवर की फोटो आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, हंसी आ जाती है. तो बेसिकली क्या है, मैकडॉनल्ड्स का अगर एम भी देख लोगे तो भूख लग जाती है, होता है ना. कोई भी अगर आप लोगों ने गाना कभी पहले कहीं सुना हो किसी पर्टिकुलर इवेंट के अंदर, वो आज बज जाए तो एकदम हमारा ध्यान वहीं चला जाता है. किसी के बारे में हम किसी व्यक्ति को अच्छा नहीं जानते, हम उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते, उसकी एकदम से याद आती है, हमें एकदम गुस्सा सा चढ़ जाता है. ये सब चीज़ें एंकर कहलाती है, ट्रिगरिंग कहते हैं सबको. हमेशा ध्यान रखिए अपने बच्चों के विजुअल्स को क्रिएट कीजिए एक अच्छे एंकर के साथ. एग्जांपल के तौर पे अगर आपका बच्चा एक विजुअल मोड का है, विजुअल मोड कौन से बच्चे होते हैं, मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बना रखे हैं लैपटॉप पे, आप देख सकते हैं. आइकॉनिक पेरेंटिंग की आप मेरी बुक भी पढ़ सकते हैं. विजुअल मोड के जो बच्चे होते हैं उनको हमेशा विजुअलाइज कराइए, दिखाइए उनको चीज़ों को. मेरे बहुत सारे लास्ट लैपटॉप पढ़ा हुआ है ये कि विजुअल मोड कैसे पता चलता है कि हमारे बच्चे का विजुअल मोड है. ये आप मेरी देख सकते हैं लैपटॉप, और भी आप लोग मेरे चैनल पर भी जाके नितिन मोहन लाल यूट्यूब पर भी देख सकते हैं. जब भी विजुअलाइज कराना हो उन बच्चों को, करना कुछ नहीं है, उनके सामने जाइए और एकदम हंसता हुआ चेहरा अपना क्रिएट कीजिए. उसके सामने आपको दिखाना है, बेसिकली वो विजुअल बच्चा है, उसको देख के ही वो काम करेगा. यानी जब बच्चा बहुत खुश हो, बहुत एंजॉय कर रहा हो, डिलाइटफुल हो, उसको एकदम एक चेहरे की तरह एंकर कीजिए, हंसी उसके सामने. पर्टिकुलर एक ही चीज तरीके से आपने एंकर करना है हमेशा, हर बार ध्यान रखिएगा. चार पांच बार भी एनफोर्स कर देंगे बच्चा हमेशा आपका खुश रहेगा. मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ कैसे. जब भी अगर आप लोगों की बात करता हूँ ऑडियो, अगर आपका बच्चा ऑडिटरी मोड का है तो हमेशा आवाज क्रिएट कीजिए, वाओ वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने, आगे भी करते रहना. जब भी बच्चा आपका एक रिसोर्सफुल स्टेट में, आपने एंकर को क्रिएट करना है. अगर बच्चा काइनेस्थेटिक सेंस का फीलिंग ज्यादा करता है तो उसको हक कीजिए, उसको बहुत अच्छे से हक कीजिए, उसको चूमिए माथे पे एक ही जगह बार 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 बार. इसे कहते हैं कि क्रिएट करना एंकर को. ऐसा करने से पता क्या होगा, जब भी बच्चा दुखी होगा और आप फिर से उस बच्चे के यहाँ पे चूमेंगे ना, वो वापस उस स्टेट में आ जाएगा, रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर. अगर बच्चा ऑल्टरी मोड का है, वही सेम सेंटेंस रिपीट करने पे अगर बच्चा विजुअल मोड का है तो एकदम वही चेहरा दिखाने से वो नेगेटिव स्टेट से आपके एकदम पॉजिटिव में जंप करके आ गया. ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स जो है उन्हें पता होता है मेरा बच्चा कौन से मोड का है. उनको, जिन पेरेंट्स को पता होता है मैं कौन से मोड का हूँ, किस टाइम पे कौन सी कमांड देनी है, ये एक बहुत ही बड़ा एक काम रहता है. जब भी बच्चे को साथ आप हो, बच्चे के साथ बैठिए, उसको इमेजिन करिए कि बेटा बताओ जरा जिंदगी में तुमने कब सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस को एंजॉय किया. वो बताएगा मैं जब 5 क्लास में था या मैं 8 क्लास में था, मैंने इतने पब्लिक्स के सामने बोला था, मैं स्कूल के सामने बोला था, तब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था. ये आपने क्या करना है, उसकी पिक्चर्स को और बढ़ाइए, और कलरफुल कर दीजिए, उसको और आवाज सुनाई दीजिए, उनकी फीलिंग्स को लेकर आइए और वहां पर आपने एंकर को क्रिएट करना है. वो एंकर कुछ भी हो सकता है, उसके हाथ की थंब को प्रेस कर दीजिए, उसको उसके कान को दबा दीजिए, उसके इस हाथ को शोल्डर को टाइट कर दीजिए, बार बार एंकर को क्रिएट कीजिए. ऐसा करने से पता क्या होगा, जब भी बच्चा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा यानी लो फील कर रहा होगा और आपने उसी जगह फिर छू दिया, वो वापस उसी स्टेट में गेन कर जाएगा. इसे कहते हैं हम लोग एंकर को क्रिएट करना. जितना आप लोग करेंगे आप सीखेंगे. बच्चे को आप बताइए हो बेटा यू आर लुकिंग लाइक अ सलमान खान, बार बार उसके सामने एंकर क्रिएट कीजिए, उसके टॉप सेलिब्रिटीज के, उसके मेंटर का, अगर उसे कोई टीचर बहुत पसंद है अपनी क्लास की, बार बार नाम लीजिए. उससे क्या होगा, उस बच्चे के अंदर फीलिंग्स आएंगी, बड़ी होंगी. ऑडिटरी मोड का बच्चा बार बार सुनेगा, विश्वास करिएगा अगर बच्चा अपने रिसेप्टिव मोड में ना और आपको ले लिया इस कमांड को, ये टॉनिक का काम करेंगे आपका. और एक बार ये टॉनिक बच्चे के अंदर लग जाएगा ना तो कहीं आपको स्टीरॉइड देने के बच्चे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी भी तरह की कोई दूसरी आपको दवाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप उसकी बॉडी उसको ले लेगी. एंकर को क्रिएट करिए बार बार, दिस इज अ ट्रिगर प्रोसेसिंग. आप लोग, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है, आप लोग मंगा सकते हैं मेरी आइकॉनिक पेरेंटिंग की इस बुक को, जिसमें मैंने बहुत सारी टेक्निक्स दे रखी हैं कि किस तरह से आप अपने बच्चे को आप यूज, मतलब बेसिकली उसके लिए किस तरह से टेक्निक लगाएंगे बच्चे के बिहेवियर में चेंज आए. एंकरिंग कहते हैं किसको है, किस तरह से हम लोग बनाते हैं, आप लोग डिटेल में जानने के लिए किस मोड का बच्चा होता है, कैसे होता है, मेरे वीडियोस देख सकते हैं, इन बुक्स को आप पढ़ सकते हैं. आप वर्ल्ड वाइड अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप लोग मुझे व्हाट्सअप से भी करके आप लोग मेरे को इसको मंगा सकते हैं बुक को, या फिर कॉल भी कर सकते हैं नंबर्स पे. जो लोग मेरे को इस एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है, आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं. आप लोग वर्ल्ड वाइड मेरे लिए मेरी लॉन्ग लिस्टिंग अगर आना चाहते हैं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होना चाहते हैं, तो भी आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. मैं एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा हेल्प टॉक का, जो कि मुझे हर बार इनवाइट करते हैं और नई नई मेरी वीडियोस को या मैं माध्यम से मैं बोल पाता हूं आप लोगों के सामने. जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं वो लोग को बताना चाहूंगा कि मैं एक रैकी ग्रैंड मास्टर हूं, मैं एक प्राणी खिलर हूं, मैं एक ऑथर हूं और मैं एक एनएलपी लाइफ कोच भी हूं.
आप YouTube पे भी जाके मेरे चैनल में नितिन मोहन लाल में, जहाँ 200 से ऊपर वीडियोस हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पिरिचुअल मॉडलिटीज पे और माइंड गेम्स के ऊपर, आप लोग वहाँ जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। कोई भी डाउट्स क्वेश्चंस होने पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।